तो देखिए, इस टाइप का मार्केट में जब इस टाइप का एक ट्रेंड आ जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है छोटा मोटा लॉस होता ही है। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, आपको उस पर डिसाइड करना पड़ेगा किस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, अगर आप ऑप्शन की बाइंग करेंगे तो यहाँ पे आपको फंसना पक्का है, क्योंकि देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर आ जाएगा, लेकिन ऑप्शंस की जो आप बाइंग करेंगे ना, उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जो मैंने ट्रेड लिया है पिछले एक सप्ताह में, जो हमने ट्रेड लिया है, देखिए अभी 10,000 आसपास का लॉस चल रहा है। पूरा लॉस हमने बुक नहीं किया है, 7,000 का लॉस हमें ये बुक करना पड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने 5,000 का प्रॉफिट पहले वाले दिन में बनाया था, तो ये वाला हमारा मैनेज हो गया। लेकिन इस चीज को आप समझिए कि मार्केट कई बार इस टाइप से बिहेव करता है कि अगर इसमें अगर आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव क्वांटिटी में चले जाते हैं तो आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आपके साथ क्या शेयर किया कि यहाँ पे देखिए रेंज बना रहा है, बनाने दीजिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, थोड़ा सा सेफ ट्रेड करेंगे। अब देखिए 10,000 का लॉस इसलिए चल रहा है, एक्चुअल में हमारा 5,000 का यहाँ पे लॉस चलता, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वांटिटी को डबल करके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि हमारा यहाँ पे देखिए एट अ टाइम पहले एक ट्रेड हुआ करता था, अब एट अ टाइम दो ट्रेड होता है। तो दो ट्रेड होगा तो रिस्क आपका 10,000 हाईएस्ट का हो जाएगा, यानी कि पर ट्रेड में मैक्सिमम रिस्क आपका 10,000 के आसपास में होगा। और इसके अगर ऊपर रिस्क जाता है तो उसको हमको मैनेज करने का तरीका है, या फिर हम एग्जैक्टली क्या करेंगे कि उसको उस ट्रेड से एग्जिट करके फिर नया ट्रेड के बारे में बाद में प्लान करेंगे। इसमें क्या होता है कि ऑप्शंस बाइंग में आपको कई बार इस टाइप के मूवमेंट मिलते हैं। देखिए ऑप्शंस बाइंग में यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि मार्केट लगातार, देखिए यहाँ वाला फेज में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि देखिए बुल मार्केट करेक्शन है, वो वापस ऊपर आ जाएगा। यही चीज अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड किए होते, कैश में किए होते, तो इसमें आपको जबरदस्त प्रॉफिट चल रहा होता। लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है कि टाइम डिके बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल अदा करता है, और इसको मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट देखिए इस टाइप से एक टॉप बनाया, नीचे आया, फिर से यहाँ पे देखिए एक टॉप बनाने गया, और ये जो मूवमेंट आया ना, इसमें ऑप्शंस में खास प्रॉफिट हुआ नहीं, और यहाँ पे क्या हो गया कि ट्रैपिंग हो गई। यही अगर आपका फ्यूचर में ट्रेड होता या फिर ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड होता, यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक अच्छा प्रॉफिट बन गया होता। तो जब अच्छा प्रॉफिट बन जाता है तो आदमी प्रॉफिट बुक कर लेता है, उसके बाद नया ट्रेड में कुछ लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि देखिए मार्केट नीचे गया नहीं है अभी भी, हमारा व्यू क्या है कि मार्केट, मैंने आपके यहाँ शेयर किया था कि देखिए ये जो मार्केट है यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, इसको रिटेस्ट करने आ सकता है। 21,500 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहां तक जब तक मार्केट है तब तक बाय ऑन डिप सी है, यानी कि जब भी मार्केट गिरता है तो बाय ही करना है। देखिए इस स्ट्रेटेजी के तहत आपको जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ भी हो रहा है कि देखिए बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स चल रहा है। यहाँ पे देखिए बाय ऑन डिप्स हुआ, लेकिन यहाँ पे जो डिप पे बाय हुआ, यहाँ पे इस जो हाई बनाया इसमें प्रॉफिट नहीं आया, इसके कारण ये ट्रेड फंस गया। जब ट्रेड फंस गया तो उसके बाद फिर एग्जिट नहीं देता। एक बार अगर ट्रेड, अगर ऑप्शन बाइंग में आप फंस गए ना, फ्यूचर वगैरह में फंस जाएंगे तो आप निकल जाएंगे, लेकिन ऑप्शंस बाइंग में क्योंकि टाइम का इंपॉर्टेंस होता है, आपका 2 दिन 3 दिन में ऑप्शन एक्सपायरी का होता है, तो उसमें आपको कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। भले ही आप 8 दिन 10 दिन का लीजिएगा तो टाइम डिके इतना हो जाएगा कि इसमें आपको प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं आपके साथ क्या शेयर करता हूँ कि जब मार्केट इस टाइप का एक ट्रेंडिंग मार्केट हो, जब मस्त ऊपर की तरफ चल रहा हो या फिर नीचे की तरफ आ रहा हो, तो इसमें आप ऑप्शन बाइंग आराम से कर सकते हैं, और 5,000 से 50,000 भी बन जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो यहाँ पे आपको कैपिटल ज्यादा लगाना है, यानी कि यहाँ पे आप 5,000 10,000 से काम नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको 5 लाख 4 लाख 10 लाख इस टाइप का कैपिटल यूज करना पड़ेगा, तब आप इस टाइप के मार्केट को ट्रेड कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा कि कंसोलिडेशन होगा, उस कंसोलिडेशन में या तो आप उसको मैनेज नहीं करने पाएंगे ऑप्शंस में, आपका प्रीमियम डिके इस टाइप का हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे दोस्तों 100-100 रुपया का इन द मनी कॉल ऑप्शन जो है वो आपका 20-10 रुपये में आ गया, जबकि मार्केट यहीं पे था। तो ये जो चीज होता है ना, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की रणनीति के साथ का होता है। तो ये चीज मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए मार्केट में ये जो पूरा फ्रेश ट्रेंड चल रहा है, जिसमें हमने 5,000 से आपके साथ 30-40,000 का प्रॉफिट बनाया है, दिखाया है, मैंने आपके साथ सब रोज वीडियो बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारा एंट्री हुआ था, कोई भी एक ट्रेड को आप समझिए दोस्तों, यहाँ से जब हमारा एंट्री हुआ उसके बाद देखिए एक लगातार अच्छा प्रॉफिट हुआ, बाय ऑन डिप्स, लगातार बाय ऑन डिप्स चलते गया मार्केट। जब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आया, मैंने आपके साथ शेयर किया कि यहाँ पे देखिए या तो लॉस हो सकता है या फिर पुट बाय करने वगैरह में भी होगा प्रॉफिट। लेकिन देखिए मार्केट क्या करता है कि पुट बायर्स को प्रॉफिट एक दिन ही देता है, और ज्यादा ये देता नहीं है, और उसके बाद फिर बहुत ही पैनिक रिएक्शन के बाद फिर इमीडिएट वी शेप आ जाता है, क्योंकि मार्केट अभी सुपर बुलिश फेज में चल रहा है, और ये चीज आपके साथ लगातार मैं शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे भी वही चीज हुआ। तो हर एक ये जो करेक्शन है ना, यहाँ पे ऑप्शन बायर फंस जाता है, और जो प्रॉफिट इसने यहाँ पे 10-15,000 20,000 का बनाया, यहाँ पे लॉस करने के चांसेस होते हैं। तो यहां से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है, या तो आप ट्रेडिंग ना करें, या तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, या फिर ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड करें।
तो ये चीज अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन ये जो जोन है यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही, क्योंकि देखिए मार्केट में आपको हमेशा अगर प्रॉफिट हो तो फिर करना ही क्या है। आपको ये जो समझना है कि यहाँ पे देखिए क्या हुआ मार्केट में, डबल टॉप के साथ यहाँ पे आपका एक बुल ट्रैप हुआ। आप कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन देखेंगे, यहाँ पे कैंडल बना बुलिश इनगल्फिंग, उसके बाद फिर एक और रेड कैंडल बना, क्लियर कट यहाँ पे डबल टॉप एम पैटर्न जो भी आप कह लीजिए, इसका क्लियर कट यहाँ पे देखिए एक ब्रेकडाउन हुआ। इसका मतलब क्या मार्केट नीचे चला जाएगा? जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक अप ट्रेंड आया था, इसका एक छोटा सा करेक्शन पेंडिंग था, वो करेक्शन हो गया। ये करेक्शन अब अगर मान लीजिए कि मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कि मैंने आपके साथ बहुत बार फॉर्मूला शेयर किया है कि मार्केट इस टाइप से ऊपर की तरफ चलते जाएगा, कब तक जाएगा? जब तक इसका एक सेकेंड स्विंग लो नहीं ब्रेक होता है। फर्स्ट स्विंग लो ब्रेक होगा एकदम पक्का होगा, क्योंकि देखिए ये एक पैटर्न बनाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए डबल टॉप बना, तो डबल टॉप का जो टारगेट है नीचे की तरफ आ गया। अब इस टारगेट के नीचे अगर वापस प्राइस जाता है तब मार्केट सेलिंग में आ जाएगा, तब हम यहाँ पे कॉल बाइंग नहीं करेंगे या फिर हम बाइंग के ट्रेड नहीं करेंगे। अभी तक हमारा बाइंग का ही ट्रेड है और बाइंग का ही ट्रेड करना होता है। अब ये जो इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम कुछ कुछ सेलिंग के ही प्लान कर सकते हैं या फिर हम वेट एंड वॉच में रह सकते हैं। बात करें ट्रेड की तो देखिए यहाँ पे ट्रेड जो हमने लिया है काफी कम क्वांटिटी में, काफी कंट्रोल में ट्रेड लिया है। इसमें मात्र हमने 37 रुपये में 100 क्वांटिटी ऐड किया है, जिसमें 600-700 का लॉस चल रहा है। और इसके अलावा ये जो आपका बुलिश रेशियो स्प्रेड था, बुल कॉल स्प्रेड, इसमें हमने देखिए ये जो कॉल है इसी कॉल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये कॉल भी अगर आप लिए होते नेकेड में ना तो आपको जबरदस्त लॉस चल रहा होता है। देख रहे हैं 8,000 का इसमें लॉस चल रहा है, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पे 6,000 का यहाँ पे एक प्रॉफिट बना लिया है। तो इसीलिए इस टाइप के ट्रेड को मैनेज करने का एक ही तरीका होता है कि मार्केट रेंज बाउंड आ गया तो आप ऑप्शन सेलिंग पे ज्यादा ध्यान दें। जैसे देखिए ऑप्शन को सेल किया हमने, यहाँ पे ऑप्शन को सेल करने से क्या हमें 4-5 हज़ार का प्रॉफिट हुआ ना, तो इसी टाइप से ऑप्शन को अगर सेलिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ऑप्शंस की बाइंग करेंगे रेंज बाउंड मार्केट में तो फंस जाएंगे और आपको लॉसेस हो सकते हैं। अभी इसमें देखिए ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड को कॉल वाले ट्रेड को मैंने बता दिया कि मार्केट जब बेरिश हो जाएगा तब इसमें से हम एग्जिट कर जाएंगे। ऑलरेडी हमने देखिए 4 जनवरी से 11 जनवरी में ये जो है ट्रेड को शिफ्ट कर दिया है, और ये 4 जनवरी वाला ये जो